जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको सूटिंग के हवाले से बताया था, इसी तरह आज हम आपको अपने मशरकी लिबास यानी शलवार कमीज़ और कुर्ता पजामा के हवाले से बताने वाले हैं। क्या फ़ैशन में इन है, कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा डिज़ाइन मार्केट में इन है, क्या आउट हो गया और शादी ब्याह में कौन से कलर को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर हम ग्रूम के पॉइंट से देखते हैं तो ग्रूम का सेक्शन पहले स्पेशली शेरवानी होता था, अब वो शेरवानी से थोड़ा सा चेंज हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मामला बहुत लो हुए हैं, तो उसकी वजह से अब ये कुर्ता शलवार प्लस वेस्टकोट या मैक्सिमम कुर्ता, थोड़ा सा भी अगर बड़ा इवेंट है तो कुर्ता शलवार या कुर्ता पजामा प्लस प्रिंस कोट चल रहा है। कलर इस वक्त मोस्टली वेदर हमारा समर का है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कलरिंग मोस्टली लाइट चल रहा है, वाइट, ऑफ वाइट, बल्कि वाइट से भी ज़्यादा ऑफ वाइट को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि वो मिड कलर होता है और एक अच्छा उस पर हर किस्म की थीम बहुत अच्छी बनती है। बेस्ट फैब्रिकेशन इस वक्त जो यूज़ हो रहा है वो कॉटन ही यूज़ हो रहा है। कॉटन में बेसिकली ब्रांड्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा जो प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं उसमें फैब्रिक जो कॉटन है वो प्योरली कॉटन नहीं रह जाता, उसकी फील थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो लाइक ऐसे ही है जैसे आप वॉशिंग वेयर भी कह सकते हो। स्किन कलर के हिसाब से तो मोस्टली इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं होता है, आज के दौर में जितने भी लोग आते हैं मोस्टली कुछ ना कुछ कलर डिसाइडिंग वो करके आते हैं। अगर हमारी गाइडनेस पे आते हैं या बिल्कुल अननोन पर्सन है तो उसके लिए फिर एडवाइस उसकी पर्सनैलिटी के पॉइंट से होती है। जैसा अगर स्लिम है तो स्लिम के लिए हम मोस्टली थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज़ देते हैं, और अगर हैवी है हैवी को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, हैवी को बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं दिया जाता क्योंकि वो और ज़्यादा हैवी लुक देता है। मिनिमम आपको जो प्राइस मिलेगी कुर्ते पजामे की वो 3675 से स्टार्ट हैं एंड मैक्सिमम रेंज ये ऑलमोस्ट 6000 तक की जाती है। इसमें शलवार कमीज़ भी शामिल हैं, कुर्ते पजामे भी शामिल हैं। खुसों के फैशन पुराना हो चुका है, अब उसके बाद अब ये कट शूज़ हमारे जो हैं ये हाफ शूज़ कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके शलवार कमीज़ के साथ भी पहने जा रहे हैं और आपकी शेरवानी के साथ भी लोग पहन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त शलवार कमीज़ और कुर्ता पजामा में कौन सा फ़ैशन इन है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और अगर आप शादी ब्याह में कुर्ता पजामा वेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ।